मेरा जो विषय है वो भगिनी निवेदिता का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता। भगिनी निवेदिता को अधिकतर लोग जानते नहीं है, जो जानते हैं वो कहते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद की मात्र एक शिष्या थी। भगिनी निवेदिता जो कि 17 वर्ष की उम्र में एक टीचर बन गई थी, 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने लंदन से सटे हुए शहर विंबलडन में अपना स्कूल शुरू कर लिया था। लंदन के उस समय के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसीएम क्लब में वो मेंबर थी। वो सिर्फ अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत आ जाती है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए। अंग्रेजों की जब क्रूरता देखती है तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद जाती है। ना कोई इच्छा, ना अनिच्छा, ना कोई धर्मांतरण का छलावा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने भारत की सेवा करी। 11 सितंबर 1893 के स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का ऐतिहासिक भाषण हुआ तो स्वामी विवेकानंद को इंग्लैंड में लोग बुलाने लगे। स्वामी विवेकानंद वहां जाते हैं तो एक छोटे से सर्कल में उनकी बुक है द मास्टर एज ए स्वामी, उसमें वो लिखती है कि स्वामी विवेकानंद उस मंडली में थे और स्वामी विवेकानंद के ये शब्द रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन वो मुझे प्रभावित किए। स्वामी विवेकानंद वापस आते हैं, अल्मोड़ा से एक पत्र लिखते हैं 29 जुलाई 1897 को, क्या भारत में जरूरत है एक स्त्री की, एक पुरुष की नहीं, और तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारा लेखन, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा सेल्टिक ब्लड, सेल्टिक एक कौम है जो आयरिश है, वो देखते हुए मैं चाहता हूँ तुम भारत में स्त्री शिक्षा के लिए काम करने आओ। भगिनी निवेदिता अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ जाती है। भारत आती है तो स्त्री शिक्षा में काम भी करती है, स्कूल भी एस्टेब्लिश करती है, 3 बहनों के साथ स्कूल शुरू करती है। 1902 में स्वामी जी का देहांत हो जाता है और फिर भगिनी निवेदिता को एक विषय स्पष्ट समझ आता है। स्वामी जी ने कहा था क्या भारत में आओगे तो तुमको लोग तिरस्कार करेंगे या लोग तुमसे भय करेंगे। तिरस्कार इसलिए करेंगे क्योंकि गोरी चमड़ी की हो और भय भी इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज भारत पर दमन करते हैं। भगिनी निवेदिता को धीरे धीरे ये बात स्पष्टता से समझ आती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत है। उस समय वो 1902 में बड़ौदा पहुंचती है। योगी अरविंद वहां पर साईजीराव सिंधिया के कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, उनको उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि राजा के यहाँ नौकरी करते हो, अगर कुछ दम है तो चलो वहां पे कलकत्ता चलते हैं। दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान लेखक और कवि सुब्रमण्य भारती से मिलते हैं, उनको कहती हैं कि श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, अगर लेखन में दम है तो भारत माँ के लिए लोगो। वो फिर श्रृंगार रस की कविताएं छोड़कर वीर रस की कविताएं लिखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस जिन्होंने भारतीय संविधान के सारे चित्र बनाए हैं, उनसे मिलती हैं तो कहते हैं बोहेमियन पेंटिंग्स बनाते हो, अगर कुछ कलम में दम है तो भारत माता को रंगो। तो फिर वो भारत माता जो वीडियो में जकड़ी हुई है इस प्रकार के वो चित्र बनाते हैं। इसके अतिरिक्त भगिनी निवेदिता एक बार जा रही होती है मिदनापुर, तो वहां पर उनको ट्रेन में लोग रोक लेते हैं और सोचते हैं कि गोरी चमड़ी की कोई औरत है और नारे लगाते हैं हिप्पी फुर रहे। भगिनी निवेदिता उनको रोकती है और कहती है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भगिनी निवेदिता का ये कंटिन्यूसली ये सारा रूप रहा है। भगिनी निवेदिता का एक ट्यूशन है, कहती है आर द कंट्रीमेंस ऑफ शंकराचार्य एंड भास्कराचार्य इंफीरियर टू द कंट्रीमेंस ऑफ न्यूटन एंड डार्विन, बी द ट्रू सन्स ऑफ भारतवर्षा नॉट द पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप। तो भगिनी निवेदिता का ये कंटिन्यूसली रोल वो चलता रहा। उन्होंने भारत का पहला ध्वज चित्रित किया जिसमें उन्होंने 1906 में वो कांग्रेस के अधिवेशन में भी उसको प्रदर्शित किया गया। वो सेम ध्वज जिसमें वज्र है वो बाद में 1970 में जगदीश चंद्र बोस जो बोस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करते हैं उसमें यूज करते हैं। और भगिनी निवेदिता का जगदीश चंद्र बोस की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। लाल बाल पाल की तिकड़ी में बिपिन चंद्र पाल उनके बारे में लिखते हैं कि भारतीय भी भारत को इतना स्नेह नहीं करते थे जितना भगिनी निवेदिता भारत को स्नेह करती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं क्या उनको एक तमगा देते हैं क्या वो एक लोक माता थी, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा अनिच्छा सब कुछ छोड़कर सारा जो समय था सारी जो अपनी बुद्धि थी वो राष्ट्र के कार्य में लगा दी। और ये कार्य करते करते उनके अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और धीरे धीरे 1911 में अक्टूबर में उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया दार्जिलिंग में। इसलिए उन्होंने आपके नाम के अनुरूप निवेदिता उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। मैम ने एक बात पूछी आपने वो क्यों चूज किया, मुझे अगर कहे क्या तुमको अपना प्रांत छोड़कर किसी दूसरे प्रांत में काम करना है भारत में तो मुझे एक बार छोड़ना पड़ेगा। लंदन उस समय दुनिया पे राज कर रहा था, वो इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल सर्कल में काम करती थी, सब कुछ छोड़कर उसके लिए भारत में काम करना अफ्रीका के बराबर होगा। उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने गुरु के आह्वान पर भारत में काम किया और उनके हम राइटिंग्स अगर हम उनको पढ़ेंगे तो दे आर मोर देन एन इंडियन, जैसा हम लिखते हैं उससे ज्यादा इंडियन वो आपको लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे।